सभी पक्षी 15 अगस्त को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे और पूरे दिलो जान से 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे। मधुवन जंगल में टोनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी टुनटुनी चिड़िया। वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वे अपनी बेटी को पूरे दिलो जान से मेहनत करके पढ़ाती। उसकी बेटी को भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। टुनटुनी चिड़िया भी दिल लगा कर पढ़ती और पूरे मन से स्कूल जाती थी। अरे टुनटुनी बेटा, तुमने कुछ भी नहीं बताया, कल 15 अगस्त है तुम्हारे स्कूल में। 15 अगस्त को लेकर क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है और तुम उसकी तैयारी भी नहीं कर रही हो। अरे हाँ माँ, मैं तो बताना ही भूल गई, कल हमारे स्कूल में 15 अगस्त की प्रोग्राम है और बहुत सारी पक्षियाँ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत से पक्षियाँ राष्ट्रीय गान गाएंगे, डांस करेंगे और मिठाइयाँ भी मिलेगी, फिर हम झंडे भी फहराएंगे। अरे वाह बेटा, कल तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ माँ, मैं तो 15 अगस्त की तैयारी पूरे दिलो जान से कर रही हूँ। कल मैं राष्ट्रीय गान गाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है 15 अगस्त का त्योहार मनाना। 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था और हम इसकी खुशियाँ मनाते हैं। हम सभी भारतवासी पक्षी बहुत खुश होते हैं। ठीक है माँ, अब मैं अपनी 15 अगस्त की तैयारी करने जा रही हूँ। अभी मुझे बहुत सारा काम करना है और राष्ट्रीय गान भी मुझे पूरा याद नहीं हुआ, मुझे याद करना है। सुबह सुबह याद से उठा देना, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, समय पे स्कूल जाना है। ठीक है बेटा, तुम जाकर याद करो, मैं सुबह तुम्हें टाइम पे उठा दूंगी। टुनी चिड़िया 15 अगस्त को लेकर बहुत खुश थी और दिलो जान से वो इसकी तैयारी कर रही थी। तैयारी करते करते वे सो जाती है। सुबह उसकी माँ उसे वक्त पे उठा देती है। वे जल्दी से उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ सभी पक्षी मौजूद थे। कुछ ही देर में स्कूल में प्रोग्राम शुरू हो जाता है और सभी पक्षी अपना अपना प्रोग्राम करने लगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया का भी बारी आता है, वे भी स्टेज पर जाती है। आप सभी पक्षी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आप सभी को एक राष्ट्रीय गान सुनाने वाली हूँ। ऐ मेरी जमी, अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आने सदा, चाहे जानी मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म हो से निकल कर कौन कहे। पुरस्कार के हकदार हो, इस पृथ्वी पे तुम्हारा ही नाम है। ये लो, मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हें ये पुरस्कार देती हूँ। पुरस्कार लेकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली आती है और अपनी माँ को अपना पुरस्कार दिखाती है। उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। बेटा, इसी तरह दिल लगाकर पढ़ाई करो, अपने देश के प्रति सच्चा प्यार रखना और इसी तरह अपनी ईमानदारी से पुरस्कार जीतती रहना। मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटा, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके प्लीज सब्सक्राइब कर देना।